आज हम आपको सैंडविच आलू के सैंडविच बनाना बता रहे हैं। ये देखिए हमने लिया है आलू, ले लिए उसको हमने उबाल लिया है, पका लिया है इसको हमने, पक गया है ये, पका हुआ मेरा आलू है आपको हम बता रहे हैं कि इसको उबाल लेने का आलू है। और ये हमारा, ये देखिए हमने दो मिर्ची ली है, जरा सी हमने अदरक ली है, और तड़के के लिए हमने जीरा लिया है, धनिया और ये नमक स्वाद के अनुसार, और हमने ये ब्रेड लिया, ये हमारा ब्रेड है। आप ब्रेड जो भी आप पसंद करते हैं, इसे तो हमारा ये ब्राउन ब्रेड है, आप जो पसंद करते हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं। हमने आलू को भापा के इसको छील लेंगे, छीलने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे। हमने आलू जो उबाला था उसको हमने छील लिया है, छील के इसको हमने मीस लिया है, ये मैं हो गया, सही हो गया ना। अब इसको हम ये गैस जलाएंगे, गैस हमने जला दिया और उस पर कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई थोड़ा दिख जाए, फिर इसमें हम डालेंगे जरा सा तेल, ज्यादा नहीं बहुत जरा। ये देखिए पानी जो है उसमें सूख जाए, ये देखिए बहुत जरा सा हम इसमें तेल डालेंगे, ज्यादा नहीं, आलू में ज्यादा नहीं तेल, बहुत जरा सा डालेंगे, क्योंकि बहुत तेल आली ऑयली एकदम से हो जाएगा। अब ये जो हमने सब काट के रखे हैं ना इसमें डालने के लिए, इसमें हम डालेंगे जरा से जीरा, ये देखिए ये जरा से जीरा डाल, जरा सा हो जाए। ये जो मिर्ची हमने रखी है मिर्ची डालेंगे, मिर्ची हो गई, इसमें अदरक भी डाल देंगे, ये कटी हुई अदरक बारीक कटी हुई, ज्यादा मोटी रहेगी तो फिर इसको नहीं रखेंगे, बढ़िया पक जाना है। ये हमने जो आलू रखे हैं ना इसको इसको इसमें डाल देंगे, इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, इसको आप मिक्स करेंगे, ये तेल बराबर है ना, ज्यादा हो जाता है फिर ऑयली ऑयली हो जाता है। इसमें हमने लाल मिर्ची पाउडर जस्ट डाल दिया है, और जरा से हल्का सा गरम मसाला डाल दिया, और इसमें इसमें धनिया थोड़ा डाल दिया। अब इसको हम मिक्स करेंगे, नमक आप डालना है नमक स्वाद के अनुसार, ज्यादा ना हो, हमने नमक डाल दिया, हो गया हल्का ही डालना है, ज्यादा नमक हो जाएगा तो फिर अच्छा नहीं। ये देखिए अगर आ गया ना सब मिक्स हो गया, ये आपका आलू सैंडविच का आलू तैयार है। देखिए हमने कढ़ाई से निकाल के परोस लिया इसमें, ये हमारा आलू तैयार, सैंडविच का आलू तैयार हो गया। अब इसको हम ये चाकू से ब्रेड को ऐसे तिकोना काटेंगे, इसको हमने काट लिया, देखिए कट गया ना। अब ये जो हमने ये मिक्सचर बनाया है इसको ये हम भरेंगे इसमें, बराबर से किनारे तक आ जाए, ये देखिए इसको बराबर कर, ये देखिए हमने भर के सब तैयार कर लिया। अब इसको हम तवे पे हल्का सा तेल लगा के उसको सेकेंगे, ये देखिए हमारा तवा भी धोक गया है, इसको जरा सा तेल लगा लेंगे तो इसमें लगेगा नहीं, नीचे चपकेगा नहीं। अब ये जो हमने बनाया हुआ है इसको भरा है, इसको उसे ऐसे रखेंगे, ये अब इसको हम हल्का सा पकाएंगे गुलाबी कलर में, जरा सा इसके ऊपर भी ऐसे डाल देते, हल्का ही डालना है, ज्यादा तेल वाला फिर हो जाएगा नहीं मजा आएगा। ये देखिए हल्का हल्का बस, इसको थोड़ा सा हल्का सा दबाने के बस, ये देखिए थोड़ा लाल लाल देखिए ना,
हो इसे हल्का से इसके ऊपर इसके बाद दोनों तरफ हल्का हल्का तेल दोनों तरफ लगाना बस इसको हम हल्का सा धीमी आंच में सेक ये देखिए कैसा बढ़िया लाल लाल पक गया है ना अब ये हमारा तैयार हो गया सीख गया अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे ये देखिए इसको हमने निकाल लिया तैयार हो गया अब सैंडविच ये देखिए हमारा सीख गया है सैंडविच तैयार है मेरा और इसके साथ हम ये मीठी चटनी है और ये तीखी चटनी है खट्टी ये टमाटर की चटनी है ये मीठे वाली सॉस है और ये देखिए आप इसके साथ खाइए बहुत टेस्ट लगेगा बहुत अच्छा लगेगा।